Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. मैं इसकी अप एरो की प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो आप स्पीड को नोटिस करें, बड़ी ही नॉर्मल स्पीड के अंदर मोटर चल रही है। अच्छा जी, अब मैंने वापस जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम वैकन की सर्वो ड्राइव VD2F लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो जॉग मोड में चलाने का मेथड है वो क्या है और इसकी जॉग की पैरामीटर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। जॉग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कंट्रोल वायरिंग के हवाले से। ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसको UVW यानी मोटर के जो कनेक्शन है वो कनेक्ट किए हैं और ये हमारी L1 और L2 के ऊपर हमने पावर लगाई है और ये जो है ये इनकोडर का जैक है, ठीक है जी। और ये केबल्स जा कहां कहां से रही हैं, ये हमारी UVW की केबल है, ये यानी मोटर को जो पावर जा रही है चलने के लिए। और ये हमारी जो केबल है ये इनकोडर की केबल है, ये देखें जी, ये इनकोडर की केबल है। इन दोनों को एज इट इज वैसे ही वापस रखेंगे और ये जो है ये पावर की केबल है, लाइन न्यूट्रल यानी 220 हमने से दिया हुआ। तो ये हो गया इसका कंट्रोल वायरिंग का इंट्रोडक्शन। अभी हम इसकी जो पैरामीटर प्रोग्रामिंग है उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, जब हम सर्वो को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये रेडी लिखा हुआ है, रेडी मोड के अंदर होती है। और ये हमारी अप एरो की है, ये डाउन एरो की है, ये एंटर का बटन है और इससे हम अपने डिजिट को जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने जॉग के पैरामीटर में एंटर होना है, सबसे पहले हम जो है वो M का बटन दबाएंगे। M का बटन दबाने के बाद P00.01 इस तरह का लिखा हुआ नजर आएगा आपको। और यहां से हमने जो है ये की प्रेस करनी है, इससे हमारा डिजिट जो है वो देखें शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हमने जाना है P10 में, तो यहां पे आप एरो की से 1 लिखेंगे, ये देखें जी P10.01 हो गया। तो ये जॉग का पैरामीटर है, इसको यहां से एंटर करेंगे। जब जैसे एंटर करेंगे तो ये देखें 100 लिखा हुआ आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट 100 होता है। ये जॉग की स्पीड है, यानी आप जब मोटर को जॉग करते हैं तो वो कितनी स्पीड के अंदर चले। तो अभी इसको हम डिफॉल्ट रहने देंगे और बाद में दोबारा स्पीड अप डाउन करके चेक करेंगे। फिर यहां से हम इसको एंटर कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, ये देखें ये जॉग लिखा हुआ आ गया, यानी अब ये जॉग के पैरामीटर में एंटर हो चुका है। दोबारा इसको एंटर करेंगे तो अब ये मोटर जो है वो रेडी है और मोटर जो है ये लॉक हो चुकी है, देखें हाथ से घूमेगी नहीं। अब मैं इसकी अप एरो की प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो आप स्पीड को नोटिस करें, बड़ी ही नॉर्मल स्पीड के अंदर मोटर चल रही है। अच्छा जी, अब मैंने वापस जाना है, मैं दोबारा इस बटन को प्रेस करूंगा, ये दोबारा P10.01 में एंटर हो गया। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, अब यहां से इसकी स्पीड बढ़ा लेंगे हम। अब पैरों की प्रेस करेंगे, ये देखेंगे स्पीड को मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा ताकि आपको फिजिकली डिफरेंस नजर आ सके मोटर की स्पीड तेज होने के बाद। इसको हम 300 कर लेते हैं। यहां से एंटर करेंगे। अच्छा, ये जो ब्लिंक कर रहा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये हमसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने जो सेट किया है आप इसी को कंफर्म करना चाहते हैं। तो जैसे बटन प्रेस करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है। अब ये जॉग की भी कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने स्पीड कंफर्म करने के बाद जॉग ही चलाना है। हम जैसे एंटर करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा जी, ठीक है जॉग ही चलाना है। अब आप देखिएगा मोटर बड़ी स्पीड से घूमेगी, ये देखें, यानी जो ऑलरेडी हमने 100 सेट किया था और अब हमने इसको 300 पे ले गए, उसकी निस्बत स्पीड में जो है वो काफी सारा डिफरेंस आ गया। ये देखें, दोबारा इसको प्रेस करेंगे, होम पे चला जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे और ये देखें ये गेन रेडी पोजीशन में चली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जॉग का जो पैरामीटर है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस को क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में रखिएगा याद और रखिएगा अपने इस चैनल का भी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।